सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मल्टीबगर पेनी स्टॉक के बारे में। दोनों स्टॉक में आज के दिन बहुत सारे अपडेट निकल के आ चुका है। इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आप लोग के पास है किसी भी लेवल पे, या फिर हाल ही में आपने इनमें फ्रेश बाइंग किया या फ्रेश बाइंग करने से सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चले तो एक एक करके हम सारे अपडेट को डिटेल में और लॉजिक के साथ कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास लैब केयर लिमिटेड। तो विकास लैब केयर लिमिटेड में दो अपडेट निकल के आ चुका है। एक अपडेट पहले ही बता दो, पॉजिटिव अपडेट है। एक अपडेट है दोस्तों, नेगेटिव अपडेट है। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पॉजिटिव अपडेट को। तो पॉजिटिव अपडेट है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख पाएंगे, प्रमोटर 14.81 से हो चुका 13.31। तो क्या नेगेटिव न्यूज़ ये है दोस्तों? ये नहीं है, ये तो छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ है, तो कोई नहीं, चल जाएंगे। बात करें पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव अपडेट है दोस्तों FIS, तो फॉरेन इन्वेस्टर, तो वो आप देख पाएंगे पिछले क्वार्टर में थे 0.03% से इंक्रीज होकर दोस्तों 12.21%, जो कि बहुत बड़े प्लस पॉइंट और बहुत बड़े एक पॉजिटिव अपडेट, बहुत बड़े शानदार न्यूज़ आप ऐसा भी बोल सकते हो। देन किससे माल खरीदे? ऑब्वियसली पब्लिक से खरीदा होगा, और पब्लिक ने क्यों बेचा आपको अच्छी तरह से पता है। कोई भी स्टॉक, सिर्फ पेनी स्टॉक नहीं, कोई भी अच्छे स्टॉक आपको TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनी में भी अगर रिटेल इन्वेस्टर बाय करते और वो 6 महीने तक रिटर्न नहीं देता, वो देंगे। और फिर ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में इजीली वो बाय कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कंपनी के बारे में, रिसर्च करते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल पता है, कंपनी के आगे गोल क्या है, वो सारी चीज़ें उनको पता है। और रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में अगर 6 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर 6 महीने अगर उनको रिटर्न नहीं मिलता, तो वो इजीली उस स्टॉक से क्विट कर जाता है। तो ये हो दोस्तों बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज़ है। अब चलते हैं उस नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर। तो नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपा हुआ है, वो है दोस्तों शेयर्स। तो आप देख पा रहे हो पब्लिक जो प्रमोटर थे दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो प्रमोटर, तो पहले जो शेयर थे प्लाजेट, मतलब किसी के पास गिरवी रखना, पिछले क्वार्टर में कुछ भी क्वार्टर आप देख लो, चाहे आप मार्च 21 से आप देख लो, मतलब 4-5 क्वार्टर यानी कि 1 से 1.5 साल के बीच में देख लो, 1% की गिरवी उन्होंने रखे नहीं थे। फर्स्ट टाइम हमें ऐसा देखने को मिला जो प्रमोटर खुद अपने शेयर्स को वो गिरवी रख रहे हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े परसेंटेज में 12.63%, 12.5% से भी ज़्यादा। तो ये तो बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन हम ऐसे भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है हाल ही में जो विकास लैब के लिमिटेड है उनको बहुत सारे ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ऑर्डर को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ता है? फंड की। तो ऐसे जो छोटी कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनी है, 600 करोड़ की मार्केट कैप है, तो ऐसे छोटी कंपनी के पास जो कैश होता है बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप किसी से लोन लोगे, तो लोन के लिए कुछ सिक्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी ना, चाहे पर्सनल लोन लेने जाओ तो कुछ तो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो उसके लिए वो आपके शेयर, उनके जो शेयर्स है वो किसी के पास, दूसरे के पास हो सकता है, अभी तो पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं आया, पूरी तरह से हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया, हो सकता है किसी बैंक पास वो 12.5% स्टेक उन्होंने गिरवी रखे और फिर उन्होंने पैसे फंड उठाए, उस फंड को अपने बिजनेस में लगाएंगे, इंक्रीज होंगे, और वो फंड जो लोन है, मतलब जो शेयर्स है, वो जैसे वो बिजनेस से कमाएंगे प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देके ये अपने शेयर्स को धीरे धीरे छुड़ाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वाली दोस्तों जो न्यूज़ है, नो डाउट मैं तो उसे नेगेटिव न्यूज़ ही मानूंगा, क्योंकि शेयर्स किसी के कंपनी के शेयर्स गिरवी रखना वो एक रिस्की और एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। लेकिन देखना दोस्तों ये बाकी है कि ये जो उन्होंने गिरवी रखे 12.5% से भी ज़्यादा, क्या वो धीरे धीरे हर क्वार्टर में धीरे धीरे वो ये चीज़ें इंक्रीज होता जा रहा है 12.5% से फिर 13%, 14%, या फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, इसका मतलब अच्छा साइन है कि कंपनी के बिजनेस चल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए उन्होंने गिरवी रख के पैसे फंड उठाए थे वो अच्छे काम के लिए लगा रहे और पैसे अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं और इसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़े प्लस पॉइंट जरूर हो सकता है। ये तो हो गए दोस्तों दो न्यूज़। अब चलते हैं हम दूसरे न्यूज़ के ऊपर। दूसरा न्यूज़ आप देख पाओगे, एक साल में दोस्तों लगभग 10% के आसपास के रिटर्न मिल रहे हैं, बीच में तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, 25 जुलाई को यानी कि मंडे, कल के दिन इसके बाद मतलब रिजल्ट है। और आपने हाल ही में देख लिया होगा विकास सिक्योरिटी के रिजल्ट अच्छे आए, हम ऐसा बोल सकते हैं अच्छे हैं, उसके भी बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे। तो आप देख पाएंगे उसके नंबर अच्छे हैं, तो चांसेस है इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं। और साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कि FIS ने अच्छे खासे बाइंग किया, अगर इसके नंबर अच्छे आ जाते तो नो डाउट एक इसमें शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अभी 5 रुपये के आसपास वो सस्टेन कर रहे हैं, जो कि शायद इसीलिए सस्टेन कर रहा होगा क्योंकि FIS ने अच्छे खासे बाइंग किया और स्टॉक को नीचे नहीं आने दिया। देखते हैं कल अगर रिजल्ट अच्छा आता है, ड्यूरिंग द बाजार आता है, तो सर्किट तो 100% लगेगा, और अगर सर्किट लग गया तो नंबर अच्छा है, नंबर अच्छा आएंगे तो 6 रुपये, 6 रुपये को ब्रेक कर दिया तो 8 रुपये, बहुत बार बता चुका हूँ 8 रुपये को ब्रेक कर दिया दोस्तों तो 10 रुपये, इस पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद एक टॉप हाई, इसको अगर ब्रेक कर दिया बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 30-40 रुपये तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 30-40 रुपये तक देखने को
मिल सकते हैं और यहाँ से 7-8 गुना पैसे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जाके बहुत सारे निवेश करते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, भले कितने भी बड़े एफआईसी में बाई क्यों ना कर ले, कितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस क्यों ना कर ले, ये पेनी स्टॉक है तो लर्निंग वाला स्टॉक है। सिर्फ सीखने के लिए 1000-2000 लगा के आप चलना, कल को आधा हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। और आप अगर सही जाओ, जैसे हमने सोचा कि ऐसा जा सकता है, तो सही भी जाए, 30 रुपये चले जाए, 5-6 गुना पैसे हो जाए, तो 2000 के 10-12 हज़ार भी हो जाए तो वो मल्टीबैगर हो जाए। लेकिन कल को हम गलत भी जाए, स्टॉक नीचे भी आ जाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उतने ही निवेश करना है। तो विकास लैब कर अगर आपके पास है, टॉप से अभी तक होल्ड कर रहे हो तो प्लीज़ होल्ड करना, अच्छी न्यूज़ आ चुका है, तो हो सकता है ये टॉप आपको तोड़ के शॉर्ट टर्म में भी आपको रिटर्न जरूर दे सकता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, विकास इक्विटेड लिमिटेड, तो विकास इक्विटेड लिमिटेड में आप देख पा रहे हैं एक साल में लगभग अभी भी 84% के आसपास रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आज के दिन तो आपने देखा होगा, कल के दिन इसके नंबर आ चुके फ्राइडे के दिन, तो अब देखना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि इसके कल के दिन की रिएक्शन क्या रहता है। नंबर तो मुझे तो अच्छे लगे, बाजार को कैसे लगता है, ऑपरेटर को कैसे लगता है, क्या ऑपरेटर दोबारा से इसमें सर्किट लगाएगा, और ये हाल ही में जो टॉप बना था 6-7 रुपये के आसपास, इसको भी तोड़ के एक 10 रुपये के टारगेट दिखाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वाली बात है कल के दिन देखने के लिए। जिनके पास है बिंदास होकर टॉप पे आएंगे, एवरेज करने की जरूरत नहीं, बार बार बता चुका हूं, एक बार नंबर अच्छे दिखा तो इसका मतलब ये नहीं जाके 10-20 हज़ार लगा दोगे। 10-20 हज़ार के लिए मिड कैप स्मॉल कैप है, जो कि बिजनेस अच्छे उनके साथ आप जा सकते हो, ये लर्निंग वाला स्टॉक है, तो 1000-2000 ठीक है, जितने भी लगाए होल्ड करो, इसमें भी आपको रिटर्न जरूर मिल सकता है। जिनको बाय करना है, कल अगर सर्किट तो लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको लॉट मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कोशिश करना, फिर भी सीखने के लिए पहले खुद से स्टडी कर लेना और देख लेना क्या वो नंबर आपको अच्छे लगे, उसके बाद 100-200-500 हज़ार जितना आप रिस्क लेना चाहते हो इतना आपको लगाना होता है। दोनों स्टॉक के कल के दिन बहुत फोकस में रखना, तो प्लीज़ वीडियो उतने कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो के कोई भी बात अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।